सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हम सभी लोग। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ Xiaomi के Poco M2 Pro डिवाइस के बारे में। और इसके लिए फाइनली आपको आज Android 11 का जो अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल चुका है इंडिया के अंदर। और ये जो अपडेट अब आपको ओनली 1 से 2 आवर के अंदर यहाँ पर देखने को मिला था। अपडेट अब यहाँ पर फिर से रोल बैक हो चुका है। सो काफी सारे यूजर के यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं कि हमको अपडेट है वो अब यहाँ पर कौन सी डेट को मिलेगा, इसकी एक्सपेक्टेड डेट है इसके बारे में यहाँ पर बताओ, और कौन कौन से फीचर मिले हैं, बग्स यहाँ पर कौन कौन से देखने को मिले। सो दोस्तों इसी अपडेट के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। और अगर आप लोग एक Poco M2 Pro डिवाइस के यूजर हैं सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा यहाँ पर हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा आपको अपडेट है वो पहले यहाँ पर कैसे ग्रैब करना है। सो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक भी लाइक नहीं किया सो लाइक कर देना, आज तो अपडेट यहाँ पर रिलीज हुआ है इस बात पे वीडियो को लाइक कर देना। सो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर गाइस मैं आप लोगों से बात करूँ Poco M2 Pro डिवाइस के बारे में। सो आज आपको फाइनली Android 11 का जो अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल चुका है। काफी सारे जो यूजर हैं उनको ये डाउट था कि MIUI 12.5 प्लस Android 11 का जो अपडेट है वो एक साथ में यहाँ पर देखने को मिला था। और मुझे भी पहले यही लगा था कि दोनों अपडेट एक साथ में यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2.3 GB की आपको मैसिव साइज है जो कि यहाँ पर देखने को मिलती है इस अपडेट की। सो दोनों अपडेट साथ में होंगे, लेकिन उसके अंदर जाके देखा तो पता चला कि ओनली Android 11 का जो अपडेट है जो कि यहाँ पर रिलीज किया गया है Poco M2 Pro डिवाइस के बारे में। सो गाइस अब बात कर लेते हैं आप लोगों को इस अपडेट के अंदर क्या कुछ यहाँ पर नया देखने को मिलता है। सो आपको एक सबसे बड़ी बात, आपको अगस्त का लेटेस्ट से भी लेटेस्ट सिक्योरिटी पेस्ट का जो अपडेट है वो भी आपको इसी अपडेट के साथ में देखने को मिलता है। वहीं आपको Poco M2 जो डिवाइस है उसके अंदर जून का अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिला था। सो ये एक बहुत ही अच्छी बात है Poco M2 Pro डिवाइस के यूजर के लिए। गाइस मैं आप लोगों से बात करूं, ये जो अपडेट है आपको आज 12 बजे के समथिंग यहाँ पर देखने को मिला था, और 1 बजे के समथिंग मैंने आप लोगों को वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दिया था कि अपडेट है वो यहाँ पर रिलीज हो चुका है। और जैसे अपडेट यहाँ पर रिलीज हुआ था उसके 1 से 2 मिनट बाद में मैंने आपको अपना टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया था कि अपडेट रिलीज हुआ है और या फिर नहीं। पहले तो मैंने आपको बताया था कि अपडेट रिलीज हो चुका है, फिर काफी सारे यूजर के कमेंट आने लगे कि हमको अपडेट मिल चुका है, कुछ यूजर के ये भी कमेंट आए कि हमको अपडेट नहीं मिला है। सो वो इस कारण से क्योंकि आप लोग पायलट यूजर नहीं है, पायलट यूजर वो है जिन लोगों ने पहले यहाँ पर फॉर्म फिल कर रखा था कि हमको अपडेट पहले मिले नॉर्मल यूजर के लिए। और गाइस मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मल जो यूजर है उनके लिए आपको अपडेट ज्यादा यहाँ पर टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 दिन के अंदर कंफर्मली पायलट जो यूजर है उनके लिए अपडेट एक बार फिर से यहाँ पर देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको कल सुबह या फिर परसों सुबह के समथिंग यहाँ पर अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, और जो नॉर्मल यूजर है उनके लिए तो भाई कन्फर्म है कि अपडेट आपको 1 वीक के बाद में यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर कोई भी कन्फर्म डेट नहीं है कि आपको 24 को मिलेगा या फिर 25 को मिलेगा, लेकिन जब भी अपडेट यहाँ पर रिलीज होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे यहाँ पर जरूर से इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई अपडेट यहाँ पर रिलीज हो चुके हैं, आप लोग एक बार चेक करो और उसके बाद में आप लोग मुझे यहाँ पर बता भी सकते हो कि अपडेट मुझे यहाँ पर रिसीव हो चुका है और या फिर नहीं हुआ है। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, सो उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। गाइज मैं आप लोगों से बात करूँ एंड्रॉइड 11 अपडेट के अंदर आपको यहाँ पर कौन कौन से फीचर देखने को मिलते हैं। सो फीचर तो बहुत सारे मिलते हैं, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जिसके अंदर आप लोगों ने रिस्पॉन्स है वो भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा दिया है। कुछ ही घंटों के अंदर आप लोगों ने 1K+ व्यूज है जो कि यहाँ पर दे दिए हैं, लाइक भी बहुत ही अच्छे दिए हैं, सो उसके लिए थैंक यू। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो अभी तक भी देखी नहीं है सो उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको ऊपर आई बटन पे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जाके यहाँ पर वॉच कर लेना। सो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में इतनी इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पर शेयर करनी थी। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और आपको बता देता हूँ, काफी सारे यूजर के कमेंट है वो निराश हुए कि हमको MIUI 12.5 का अपडेट यहाँ पर नहीं मिला है। सो भाई मैं तो कहता हूँ बहुत ही अच्छी बात है अभी देखने को नहीं मिला है, क्योंकि आपको दोनों अपडेट एक साथ में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो आप लोग सपोज कर सकते हो आपको कितने ज्यादा जो बग है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, आप लोगों का मन भी नहीं करता कि फोन चलाने की का, क्योंकि कितने ज्यादा आपको बग्स है वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इसी अपडेट के अंदर। सो यहाँ पर वेट कीजिए, 1 मंथ के अंदर 1 मंथ से पहले पहले आपको अपडेट है वो पहले यहाँ पर देखने को मिल जाएगा MIUI 12.5 का अपडेट का। सो उसका भी आप लोग यहाँ पर वेट कर सकते हो, जैसे ही अपडेट यहाँ पर रिलीज होगा सबसे पहले मैं आप लोगों को न्यूज है जो कि यहाँ पर शेयर कर दूंगा। और गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी सो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर से आपस ज्वाइन कर लेना, और उसका लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।